समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, मुझे नाम दिया गया है संरक्षक और क्या काम करना है लिखा ही नहीं है। इस दौरान मुलायम ने बेटे अखिलेश यादव द्वारा बसपा से गठबंधन के फैसले पर भी उंगली उठाई। साथ ही कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान मुलायम सिंह का दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि टिकट बांटने में देरी कर रहे हैं लोग, मुझे नाम बता दिया गया है संरक्षक लेकिन मुझे करना क्या है ये मुझे नहीं पता। मुलायम सिंह जी बड़े नेता हैं, राजनीतिक चतुर भी बहुत हैं, ये सारी चीजें कह देने के बाद भी ये सब होती रही और उसके थोड़ी देर बाद एक लिस्ट आ जाती है, तो मुझे लगता है और लिस्ट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आती है, समाजवादी जबकि दोनों साझेदार हैं, मैं इसमें कोई सवाल और जवाब नहीं देख, लेकिन क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अखिलेश जी हम लोगों के बीच में मौजूद थे और उसके बाद ये लिस्ट आ जाना तो कुछ दूसरे मतलब है। दो पीढ़ियों का फर्क है, दो पीढ़ियों की राजनीति के तौर तरीके का फर्क है, जिसकी वजह से आज जो बातें इन्होंने मुलायम सिंह यादव ने कही है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो समाजवादी पार्टी की जो अधिकृत लाइन है या अधिकृत जो चुनावी तैयारी है उसके खिलाफ वो कह रहे हैं। लेकिन एक राजनीतिक जो मैंने देखी है इतने वर्षों में चुनाव की, गठबंधन की बात हमें जमीन से भी जो सुनने को मिल रही है कि गठबंधन काफी मजबूत वहां पर प्रदर्शन करेगा, इसके आसार बन रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि कौन सही है। अगर हम ये कहें समाजवादी पार्टी के संदर्भ में कि चुनाव का नतीजा ही बताएगा कि मुलायम सिंह यादव सही है या अखिलेश यादव सही है। मुलायम सिंह यादव वैसे तो अक्सर समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जब मीडिया की मौजूदगी देखी अपने मन की बात कह डाली और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए उन्होंने जब ये कहा कि सपा बसपा गठबंधन से समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, तो उन कार्यकर्ताओं की बात सामने आई जो गठबंधन की वजह से उन सीटों को बसपा के खेमे में जाने से नाराज दिख रहे हैं जिन पर समाजवादी पार्टी पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही है। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से अखिलेश तिवारी।